सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं मायापुर ट्रिप के लिए। मायापुर का जो बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं आज दोस्त लोग मिलके। तो हम पांच लोग हैं, पांच लोग हम लोग मिलके जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल घूमने के लिए। आपको भी घुमाएंगे और वहाँ पे गंगा भी नहाएंगे। गंगा नहाने के बाद जो है हम लोग जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। तो बने रहिए साथ में, वीडियो को पूरा देखना। कोशिश करूँगा आपको फुल एंटरटेन करने का, जो कि मेरा पर्पस है ब्लॉग बनाने का, और आप लोगों को ऐसे ऐसे जगह दिखाने का जो आप लोगों ने शायद सोचा है जाने का बट जा नहीं पाए, या फिर आप जाने का सोच रहे हैं तो आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताना कैसा लगा, और आप ऐसे छोटे छोटे ट्रिप कौन से जगह पे देखना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो ये ट्रिप है वो वन डे ट्रिप है, एक दिन में। सुबह हम निकले 7 बजे, अभी करीब 8:30 बज रहा है, तो हम लोग पहुँच जाएंगे थोड़ी देर बाद। मेरे घर से इस्कॉन टेम्पल का रास्ता है करीब करीब 78 किलोमीटर के आसपास वन वे, आने जाने का टोटल 150 के ऊपर ही पड़ेगा। तो चलिए आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं यहाँ पे, और रास्ते में जाम लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जो है गंगा के किनारे जाने वाले हैं, और वहाँ से जो है अपना कार बोट के थ्रू क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस कराने के बाद जो है हम मेन मंदिर की तरफ रवाना होंगे। उससे पहले हम लोग गंगा में नहा लेंगे, क्योंकि नहाने के बाद ही मंदिर में जाना सबसे अच्छा होता है। तो बने रहे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए सुरजीत ब्लॉग्स को। তো আমাদের মায়াপুরের যে না হিন্দিতে বলবো না সরি কাট কাট তো মায়াপুর জানে কে রাস্তে মে বীচ মে এক মঠ ইহা পে আপ লোক দেখ সকতে হো শ্রী শ্রী কেশব কেশবজি গৌড়ি মঠ বহুত হি সুন্দর হ্যায় হমনে দূর সে দেখা তো ইহি পে রুক কে হমনে সোচা কি থোড়া বহুত ইসকা বাস কা আওয়াজ হ্যায় তো ইয়ে বহুত সুন্দর মঠ হ্যায় ইহা পে ও সাধু সন্ন্যাসী লোক রহতে হ্যায় জিসে মঠ কহতে হ্যায় আপ লোক কো পতা হি হোগা মঠ কিসে কহতে হ্যায় बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पे तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का ट्रिप जो है वो मायापुर का है। मायापुर में हम लोग पहले गंगा नहाएंगे, उसके बाद जो इस्कॉन टेम्पल नया टेम्पल बना है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो इसको बाद के लिए रख देते हैं, हमने देख लिया ये क्या है। तो बाद में कभी मौका मिलेगा तो इसका जो ब्लॉग है इसको बनाने के लिए हम लोग आएंगे। बहुत ही सुंदर जगह है, वैसे दूर से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बीच में कोई गुंबद जैसा भी है, और वैसे आप देखो चारों तरफ तो बहुत ही मस्त जगह है। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने मायापुर ट्रिप की तरफ, और आपको इस्कॉन टेम्पल का दर्शन कराएंगे, और हम लोग वहाँ पे गंगा भी नहाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नदी के उस पार, मायापुर है ये, गंगा नदी है, हुगली रिवर, तो इसके उस तरफ है मायापुर, और हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे कार को क्रॉस करने के लिए कोई बोट है नहीं, तो गाड़ी मैंने यहीं पे पार्क कर दिया है बस स्टैंड में, और पार्क करने के बाद जो है हम लोग यहाँ पे बोट है, तो बोट के थ्रू हम लोग क्रॉस करेंगे। हाँ ना गाड़ी तेज है, तो हम लोग जो है यहाँ पे नदी को क्रॉस करेंगे बोट से, और क्रॉस करने के बाद हम लोग कुछ खाएंगे, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और फिर खाना खाने के बाद जो है उसके बाद हम लोग नहाएंगे गंगा में, और नहाने के बाद जो है हम टेंपल की तरफ चलेंगे। तो बने रहना वीडियो के साथ और देखते रहिए, बाकी इधर थोड़ी गंदगी है।
बट नदी के पास जो बोट है, बोट से हम लोग क्रॉस करेंगे, उस पर कार क्रॉस नहीं हो सकता। कार क्रॉस करने के लिए अलग से बड़ा वाला बोट होता है, और वो बोट फिलहाल अभी चल नहीं रहा, तो हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते उस तरफ। और गाड़ी लेके अगर गए भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस तरफ मार्केट वगैरह में बहुत जाम होगा और गाड़ी वहाँ पे घुसाना बहुत मुश्किल। तो गाइज़ हम लोगों ने यहाँ पे टिकट ले लिया है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस नाव से नदी क्रॉस करने का जो किराया है वो सिर्फ 2 रुपये है, पर पर्सन 2 रुपये, बहुत ही चीप है। नाव बहुत बड़ा है, बहुत लोग आ रहे, तो एक में इतने लोग हैं, शायद 25 या 50 लोग तो हो ही जाएंगे, इससे एक ट्रिप का 100 रुपये तो उन्हें मिल ही जाएगा, तो बहुत ही चीप है। तो आइए हम लोग बोट की तरफ आ चुके हैं। ये ब्रिज जो है ये बैम्बू से बना हुआ है, और हम लोग अभी चढ़ेंगे बोट पे। तो गाइस 2 रुपये में सिर्फ 2 मिनट का राइड मिला हमें वहाँ से लेके, आप देख सकते हो वो जगह है, वहाँ से जस्ट यहाँ तक क्रॉस किया हमने। और यहाँ पे क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ से हमें टोटो या तो फिर कोई वैन वगैरह गाड़ी लेना पड़ेगा, जिससे हम लोग मंदिर तक पहुँच सकते हैं। उससे पहले हम लोग खाना भी खाएंगे और नहाएंगे, तो देखते हैं यहाँ पे नहाने का जगह कहाँ पे है, तो नहाने के बाद ही हम गंगा में घुस पाएंगे, मतलब नहाने के बाद ही हम मंदिर में घुस पाएंगे। ये हमारे पिंटू दा है। ये ट्रिप संडे का हो जाता, बट इनके वजह से, ये हमारे पिंटू दा, इनके वजह से नहीं हो पाया। आज काम है, कल काम है करके टालते रहे, तो 2 दिन के बाद फिर हम लोग आए यहाँ पे। तो गाइस एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं वीडियोस जो मैं हिंदी में बनाने वाला हूँ, क्योंकि जो बंगाली लोग होते हैं उनको तो हिंदी आता है, बट जो हिंदी लोग होते हैं, मतलब जिनको हिंदी भाषा आता है, उनको बंगाली सही से नहीं आता, तो आई थिंक हिंदी में बनाना बेटर होगा, क्योंकि मुझे हिंदी भी आता है, और हाइलाइट्स वगैरह मैं बंगाली में बना दूंगा, कभी कभी वैसा मोमेंट बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। चानकोड़ा घाट एखे कोथा हबे, एखे चानकोड़ा जाबे, तो आगे किछु खाबे ना, खिदेते पेटटा जलछे गो, खेते चानकोड़ा केओ, खाने के बाद नहीं नहा सकते क्या? नहाने के बाद खाना पड़ेगा ऐसा? तो नहाने के बाद खाऊंगा तो फिर, हाँ ये भी है, सही पकड़े हैं। ओके, तो गाइज़ हम लोग अभी नहाने वाले हैं, और यहाँ पे एक मस्त घाट है, यहाँ पे लोग नहाते हैं, तो हम लोग यहीं पे नहाएंगे, और नहाने के बाद जो है हम लोग जाएंगे फिर अंदर की तरफ, वहाँ पे पहले कुछ खाएंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर पे जाएंगे। तो नहाने का वीडियो तो मैं नहीं दिखाने वाला। तो ये रहा हमारा पूरा गैंग। ए सबको भाई बोलो, सबको हाई बोलो, हेलो। ये रहा हमारा पूरा गैंग, हम लोग घूमने आए हैं। सूर्या नमस्त, सूर्या नमस्त, तो गाइज नहाना हो चुका है हमारा यहाँ पे कंप्लीट, और नहाने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, क्योंकि भूख लगा है बहुत तेज़, और नहाने के बाद गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा। पानी बहुत मस्त ठंडा था, हमने बहुत मस्ती किया गंगा के पानी में पाप धो के। और यहाँ पे है ना वो हरिनाम वाला जो होता है ना, वो बेच रहा है, देखो ना टीका लगा दिया यहाँ पे गाइज, देखो यहाँ पे और यहाँ पे वो चंदन का टीका। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी सीधा मंदिर की तरफ, पता नहीं है कितना दूर है, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे शॉप्स भी है, ये देखो शंख वगैरह, और माता का जो फ़ोटो वगैरह होता है वो, छोटे छोटे शिवलिंग, ये सब दिख रहा है यहाँ पे छोटे छोटे शॉप में।
तो गाइस बहुत तेज़ भूख लगा था और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा होटल जैसा है, यहाँ पे हम लोग आ चुके और चना दाल के साथ कचौड़ी खाएंगे और खाने के बाद फिर हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके फिर मंदिर में दर्शन करेंगे। मंदिर के अंदर हमारे पिंटूदा कह रहे हैं कि मंदिर के अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है, फिर भी देखता हूँ अगर ले जा सकूँ तो लेके जाऊँगा। तो अभी हम लोग कचौड़ी खा लेते हैं और आप लोग भी अगर भूखे हो तो कुछ खा लो फटाफट से। तो गाइस साइज सही है कचौड़ी का और इसके साथ आया है चना का दाल। चना का दाल थोड़ा ठंडा है और कचौड़ी गर्म, तो बहुत ही मस्त है। ओके तो गाइस हमारा यहाँ पे कचौड़ी खाना कंप्लीट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं सीधा मंदिर की ओर शानदार से टोटो में बैठ के और हम लोग अभी वहीं पे पहुँच जाएंगे और दोपहर का खाना हम लोग मंदिर के अंदर ही खाएंगे। वहाँ पे खाने का बहुत मस्त आयोजन होता है, वहाँ पे टिकट लगता है, कितने का मुझे पता नहीं बट मैंने सुना है 60 रुपये के आसपास का एक प्लेट का टिकट है, तो वो टिकट वहाँ पे लेना पड़ेगा और टिकट लेने के बाद जो है हम लोग वहीं पे अंदर खा सकते हैं। वहाँ बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ खाते हैं, तो हम लोग भी आज वहीं पे खाएंगे और उस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए और मज़ा आए तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा चैनल का और लाइक का बटन और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन हो ब्लॉग के बारे में या फिर कुछ और तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ, तो चलिए टोटो की सवारी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे जो है पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मंदिर के सामने बहुत सारे दुकान हैं, यहाँ पे कचौड़ी पराठा और खाजा गौजा ये सब मिल जाता है। ये एक तरीके का मिठाई होता है गौजा, जो यहाँ पे बंगाली में बहुत फेमस है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंदिर के सामने, तो मैं ये देखो गाइस ये रहा मंदिर और जो मेन मंदिर है वो उस तरफ है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत ही मस्त है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ है। तो गाइस यहाँ पे अभी तक काम शुरू है, बिना मास्क के अंदर नहीं आने दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे मास्क जो है वो पहन लिया है। 350 एक जनर 5 जनर। ओके तो गाइस यहाँ पे पिंटूदा ने टिकट कर लिया है खाने का और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे मेनू क्या क्या है। तो ये है गड़ा भवन, वाह गड़ा गुजराती है ना, गड़ा भवन है। यहाँ पे राइस, फ्राइड राइस है, पकोड़ा है, दाल है, चपाती, सब्जी, पनीर सब्जी है, चटनी है और स्वीट राइस। स्वीट राइस मतलब होता है पायस, जिसको बंगाली में बोलते हैं, तो पायस होता है वो स्वीट राइस। तो गाइस यहाँ पे आप मेनू देख सकते हो, यहाँ पे 5 आदमी का 350, 350 मिलो ना। तो गाइस एक बंदे का यहाँ पे 70 रुपीज़ है टिकट और ये जस्ट मंदिर के जो मेन गेट है यहाँ से आप सीधा आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पिलग्रिम्स इंक्वायरी बूथ और लंच एंड डिनर यहाँ पे होता है। प्रदर्शन कूपन अवेलेबल हेयर, यहाँ पे कूपन आपको लेना होता है, कूपन लेने के बाद जो है आप लंच कर सकते हो। दिए हुए टाइम पे टाइम कुछ बताया क्या यहाँ पे टाइम की? ओके एक बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में आपको जो है डिनर कर ले मतलब लंच कर लेना है, तो यहाँ पे कूपन आप लेके लंच कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन खाना होता है यहाँ पे और यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे छोटे छोटे कुटी बने हुए हैं, पिंगोली में जिसे कुटी कहते हैं, ये ऊपर ही जो भूसे से बना हुआ घर होता है और इनका जो दीवार होता है ये चटाई से बनता है और यहाँ पे अंदर लोग बैठ के जो है हरि नाम कर रहे हैं, कृष्ण को बुला रहे हैं। और यहाँ पे ये जो बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं ये सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और इस्कॉन टेम्पल का सारा फंडिंग जो है बाहर से आता है और इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे, जो ज़्यादातर फॉरेनर्स यहाँ पे आके सेटल हो चुके हैं और बाकी यहाँ पे बहुत से फॉरेनर्स आते हैं। यहाँ पे जो आप छोटे छोटे क्वार्टर्स वगैरह देख रहे हो ये सारे क्वार्टर्स में जो इस्कॉन टेम्पल के जो पुरोहित वगैरह है, जो पूजा वगैरह करते हैं, पंडित वगैरह, वो सारे यहीं पे रहते हैं इन सारे क्वार्टर्स में। तो हम लोग इसी रास्ते से मेन मंदिर की तरफ जाएंगे अभी। ये एरिया अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हो बहुत ही ऊंचा है और उसका गुंबद आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू कलर में है, स्काई ब्लू।
एंड गोल्डन कलर में। इनके जो खिड़की है आप देख सकते हो यहाँ पे, इनके जो खिड़की बने हुए ये राजस्थान स्टाइल के बने हुए हैं। राजस्थान में जो खिड़की वगैरह होता है, हवा महल वगैरह आपने देखा होगा, तो वैसा ही बना हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों टिकट करने के बाद जो उसके बगल से रास्ता आता है वहाँ पे आप सीधा आओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। यहाँ से आप अंदर जाओगे तो वहाँ पे जो हॉल है वहाँ पे लंच वगैरह होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे लंच करते हैं। तो यहाँ पे गाइस सामने बोर्ड लगा हुआ है वे टू टेम्पल, तो टेम्पल जाने का जो रास्ता है वो यहाँ से है। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक गार्डन बना हुआ है, बहुत ही सुंदर गार्डन है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो बहुत ही शानदार और मस्त गार्डन है। तो गाइज अंदर एक और यहाँ पे बिल्डिंग है जिसका नाम है लोटस बिल्डिंग, पद्म भवन जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही शानदार। और इसी भवन के सामने ये बहुत ही सुंदर सा घास का मैदान बना हुआ है, एक छोटा सा गार्डन जैसा। और इस तरफ जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ये सारे लोगों के रहने के लिए लॉज बने हुए हैं। और ये जो है ये एक टेंपल बन रहा है और एक टेंपल उधर है जो हम अभी जाके देखेंगे, जो मेन टेंपल। तो गाइज़ ये जो है कृष्ण मंदिर है, और यहाँ पे फ़ोन मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या लेके जाना मना है, यहाँ पे नहीं लेके जा सकते। एक तो है यहाँ पे कैमरा है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, आईपॉड और एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, लगेज, शूज़, शॉर्ट्स, हाफ पैंट, थ्री क्वार्टर, नाइट ड्रेस, लुंगी और एनी अदर इमोडेस्ट क्लॉथिंग, ये सब यहाँ पे हम नहीं लेके जा सकते अंदर। तो फ़ोन मेरे को यहीं रखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, बाकी आके बताऊँगा अंदर क्या था, दिखा तो नहीं पाऊँगा, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो वो रहा मिल गया हमें, वो रहा काउंटर, वहाँ पे हम लोग अपना जो भी कपड़ा वकड़ा है। ओके, तो फ्री में यहाँ पे पैसा नहीं लगते, फ्री में आप। ये क्या है, डोनेशन फॉर काऊ, अच्छा ओके, काऊ के लिए यहाँ पे आप डोनेशन दे सकते हो, नाइस। तो यहाँ पे जूता बैग वैग सारा रख सकते हो आप बिना पैसे का। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, फिर जब मैं बाहर आ जाऊँगा फिर आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक के लिए। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे बाहर आ चुके हैं घूमने के बाद अंदर से, तो अंदर का नज़ारा आपको खुद आके यहाँ पे देखना पड़ेगा, वो मैं बताऊँगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इतना मस्त है अंदर, इतना रिलैक्सिंग है, आप बैठोगे ना तो आपको एकदम मस्त मज़ा आने वाला है गाइज अंदर। तो अंदर एक छोटा मोटा शॉपिंग एरिया भी है जहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, और अंदर प्रसाद भी मिलता है। तो हमने प्रसाद लिया नहीं अभी फ़िलहाल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के वजह से लोग भी कम है अंदर, तो इसकी वजह से हमने और नहीं ख़रीदा। बट वहाँ पे एक मस्त चीज़ मैंने ख़रीदा है, ये मैं घर जाके दिखाऊंगा आप लोगों को ब्लॉग के एकदम लास्ट में, तो ब्लॉग को देखते रहे इसके लिए क्या है इसमें। আরে এতক্ষণ রেকর্ড চালু হলো, এতক্ষণ রেকর্ডটা চালু হলো। তো গাইস হাম লোগ ইয়াহ পে পেড় কে নিচে বেঠ কে রিল্যাক্স কর রহে হ্যায়, পুরা গ্রুপ হ্যায় ইয়াহ পে। পিকচার কোয়ালিটি ওপি হ্যায় ইয়ার গাইস, ইসকে ওয়াজহ সে সাবস্ক্রাইব কর দো ফটাফট সে আর লাইক ভি। এক চিজ দিখাউ আপকো, ইয়ে দেখো গাইস ইয়াহ পে, ইয়ে দেখো আম, কাঁচা আম। तो थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करेंगे हम 10 मिनट के लिए, उसके बाद फिर खाना खाने जाएंगे। और वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे यहाँ पे खाना सर्व होता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, बने रहे वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने और अंदर घुस चुके हैं यहाँ पे, ये देखो गाइज व्यू, भाई साहब कितना रोशनी है उधर, थोड़ा बाहर जाता हूँ मैं तो दिखेगा आप लोगों को, ये रहा व्हाट अ मैजिक। तो यहाँ पे जो है खाने का पूरा प्रबंध है, यहाँ पे दो तीन तरीके का है, गदा भवन अलग है और पद्मा भवन अलग है, शंख भवन अलग है, ये लोग सब अलग अलग इनका संस्था है जो यहाँ पे
भोजन प्रदान करते हैं, लाइक दे गिव फूड ओवर हियर। तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे खाना खाने के लिए अगर आप घुस रहे हो तो आपको जूता यहीं पे उतारना पड़ेगा। ये शू स्टैंड है यहाँ पे, तो मैं जूता उतार लेता हूँ। तो जूता वगैरह यहाँ पे डाल के फिर हमें अंदर जाना होता है खाना खाने। खाली पाओ ये देखो बोरे में जूता डाल के इसको यहाँ पे जमा करना होता है। तो यहाँ पे एक टोकन मिलता है और फिर यहाँ पे हाथ धोने का कहाँ पे है देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे हाथ धो के हम लोग जाएंगे फिर खाना खाने। तो गाइस लाइन चलने लग गई है, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं यहाँ से, वो रहा गेट, और अंदर जाके हम अभी खाना खाएंगे। ये है हमारा कूपन। फोकस नहीं हो रहा, चिकन डिनर। मेरा नंबर है 61326। यहाँ पे बहुत लोग खाते हैं। ओ यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड भी है, ये देखो बहुत ही शानदार है। एक ही साथ बहुत सारे लोग खाते हैं। मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ ना, बहुत मस्त है। क्वालिटी कैसा आ रहा है, वाह। तो गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये रहा बैठ के खाने का पूरा जो यहाँ पे किया हुआ है। एक साथ हज़ारों लोग खा सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो है वो बैठ के खाने का है और हमें बैठ के खाना है। बहुत ही मस्त है एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे सारे पब्लिक कहाँ चले गए, ये रहे। तो यहाँ पे नीचे हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन से बहुत से लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही मस्त। तो अभी खाना परोसा जाएगा, मेनू तो आप लोग को बता चुका हूँ पहले, और अभी देखते हैं। अच्छा यहाँ पे गिलास में पानी भी दिया है इन्होंने, बहुत सही। थोड़ा पानी, अरे बाप रे ये गिलास ऐसा है उठा नहीं सकता मैं। ये देखो गाइस एकदम पिचक रहा है। तो ये है पकोड़ा, ये बैंगन का है शायद, और बैंगन मैं नहीं खाता, खा लेता हूँ। और ये पुलाव टाइप कुछ है। नाइस टेस्ट। गाइस इसका जो टेस्ट है ना, ऑसम टेस्ट है, मतलब सही में। यहाँ पे इतने लोगों को ये लोग खिला रहे हैं और इतना बढ़िया खाना, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, 70 रुपये में बहुत अच्छा खाना खिला रहे हैं। और इसका टेस्ट जो है बहुत ही सही टेस्ट है, मेरे को तो बहुत पसंद आया इसका टेस्ट। दाल राइस और कटहल का सब्जी। अभी और क्या क्या मिलेगा देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो आप लोग कभी घूमने आओ मायापुर इस्कॉन टेम्पल देखने। इसका ग्रैंड ओपनिंग 2023 को है, जो बड़ा वाला है वो रेडी हो जाएगा, जो बड़ा मंदिर है। तो कभी आप लोग आओ घूमने तो यहाँ पे खाना ज़रूर खा के जाना, बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। बाहर कहीं खाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर के अंदर जो खाना मिलता है ना गाइस, क्या ही बताऊँ। मैं खा रहा हूँ ना, मेरे को ऑसम लग रहा है, टेस्ट गजब है इसका, बहुत ही शानदार टेस्ट है।
ये रहा पनीर, पनीर के दो टुकड़े मिले को, दो टुकड़े मिले मेरे को पनीर के, आई वॉज़ लकी। और ये शायद झींगा है, और ये बीन्स है, गाजर है, आलू है। तो गाइस नेक्स्ट जो है वो है टमाटर का चटनी, थोड़ा लिलपिला सा पिलपिला सा है। तो गाइस सबसे आखिर में यहाँ पे मिलता है वाइट राइस, जिसे बंगाली में पायस बोलते हैं, इसमें काजू है। तो गाइस खाना खाने के बाद जो है यहाँ पे खुद की मदद खुद करनी पड़ती है, लाइक दिस। यहाँ पे उठाने के लिए कोई नहीं होता, हमें खुद से उठाना होता है और ये बाहर फेंकना होता है। आवाज़ तो ये बाहर फेंकने के लिए जगह भी बना हुआ है। एंट्री का डोर अलग है, एग्जिट का डोर अलग है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल आई थिंक हज़ार से ज़्यादा लोग खा रहे होंगे अंदर। तो यहाँ ये बाहर जाने का रास्ता है, वे टू डस्टबिन। ओके, तो यहाँ पे ये बड़ा सा डस्टबिन बना हुआ है, ये रहा, यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे हाथ धोने के लिए नल वगैरह है, तो यहाँ पे हाथ धोने का। तो गाइस आज का हमारा जो टूर था यहीं पे ख़त्म होता है। अभी बजे हैं 1:45, अब हम सीधे अपने कार की तरफ चलते हैं और फिर निकलेंगे घर के लिए। तो अब हो गया है टाइम जाने का, अभी हम फिर से बोट में चढ़ेंगे, नदी पार करेंगे, और नदी पार करने के बाद जो है फिर से हम अपने कार में, और दोपहर का टाइम है, मस्त गाड़ी चला के सीधा घर, ब्लॉग ख़त्म। और हाँ, गाड़ी में जाके मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ख़रीदा है। अगर मैं खाड़ी पे खोल पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं घर जाके उसको अनबॉक्सिंग करूँगा कैसा है वो, और उसको इस वीडियो के आखिर में डाल दूँगा, तो आप लोग देख लेना, बहुत ही मस्त। तो चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं सीधा अपने कार की तरफ। तो गाइस हम फिर से आ चुके हैं नाव में और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी नदी, यहाँ से निकले हैं और हमें जाना है यहाँ पे। तो ये नाव को पूरा घुमा के यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद सीधा हम जाएंगे अपने कार में। ये हम है, ये हमारी बोट है और हम नदी क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पास, गाड़ी का दरवाजा थोड़ा खोल के रख देते हैं। ओ भाई साहब, अंदर पूरा आग बरस रहा है, एसी तो चलाना ही है अंदर ना गाइस, पूरा आग बरस रहा है। गाड़ी पूरा धूप में था तो एकदम ज़बरदस्त गर्म हो चुका है, गाड़ी खतरनाक गर्म हो चुका है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बैठेंगे अपन अंदर, थोड़ा खोल देते हैं ताकि हवा थोड़ा इधर उधर हो, थोड़ा खिड़की खोल देंगे ना, हवा इधर उधर पास आउट होगा तो फिर सही रहेगा। भाई साहब अंदर से पूरा हीट निकल रहा है, हीट। हाँ गाइस आज के हमारे ब्लॉग पे इतना ही था। हम लोगों ने मायापुर घूमा, इस्कॉन टेम्पल दिखे देखा, और अगर अच्छा एक्सपीरियंस, बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ पे और आके खुद घूम के उस चीज़ का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो हम करीब 5 लोग थे और हम लोग करीब टोटल हमने जर्नी किया 160 किलोमीटर के आसपास, और वहाँ पर जाके खाना खाया, घूमा फिरा, बोटिंग, सुबह का ब्रेकफास्ट, सब कुछ लेके टोटल पर हेड 320 रुपये का खर्चा आया हम लोग के ऊपर, जो मैंने हिसाब लगाया, तो बहुत ही चीप है, इतना घूमना तो सही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, आगे ऐसे और भी वीडियोस आएंगे ब्लॉग्स के, फूड्स के, ट्रैवल फूड, मैं सब कुछ देता रहूँगा इस पर ताकि हर तरीके का कॉन्टेंट बने।
और कोशिश करूँगा आप लोगों को अच्छे से एंटरटेन करने का। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट जो हमारा ब्लॉग है उस पर, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading up.